नेहा बजाज एंड वेलकम टू जूम। वेल, बॉलीवुड एक्टर्स और राजनीति का रिश्ता सदियों पुराना है और अभिनेता से राजनेता बने एक्टर्स को बड़े पर्दे से लेकर चुनावी रैलियों में दर्शकों का खूब प्यार मिला है। वेल, इसी लिस्ट में हाल ही में नाम शुमार हो चुका है एक्ट्रेस कंगना रनौत का, जो हमेशा विवादित बयानों के लिए जानी जाती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंटेस्ट कर रही कंगना के सर पर जीत का सहरा जब सजा तो ट्रोलर्स और हेटर्स की तो बोलती ही बंद हो गई। हालांकि कंगना का सफर उतना आसान नहीं था, पर आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कंगना के ग्रेट ग्रैंडफादर सरजू सिंह रनौत वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हर ग्रैंडफादर वॉज एन आईएएस ऑफिसर। वेल, बॉलीवुड की क्वीन के पिताजी अमरदीप रनौत को शुरुआत में उनकी मॉडलिंग और एक्टिंग से सख्त एतराज था। हालांकि मंडी की रानी कंगना रनौत ने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री यूनिट टेस्ट में वो फेल भी हो गई थी। वेल, कंगना के फादर चाहते थे कि वो मेडिसिन परस्यू करे। हालांकि 16 साल की उम्र में कंगना रिलोकेटेड टू दिल्ली फ्रॉम हिमाचल एंड वहां से उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। वेल, दिल्ली के बाद कंगना ने माया नगरी मुंबई का रुख किया और फिर साल 2004 में उन्होंने मुंबई का आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल भी ज्वाइन किया। क्या आपको पता है कि स्ट्रगलिंग डेज में कंगना ब्रेड और अचार से गुजारा करती थी। वेल, कंगना रनौत अपना डेब्यू पहलाज निहलानी की फिल्म आई लव यू बॉस से करने वाली थी, हालांकि ये प्रोजेक्ट बाद में शेल्फ हो गया। उसके बाद कंगना मेड हर बिग स्क्रीन डेब्यू विद अनुराग बासूस गैंगस्टर इन 2006 ऑपोजिट इमरान हाशमी एंड शाइनी आहूजा, एंड फिल्म में उनके बोल्ड सीन्स ने काफी सुर्खियां बटोरी। वेल, अपने डेब्यू के समय कंगना सिर्फ 19 साल की थी। इस फिल्म में पहले चित्रांगदा सिंह को साइन किया गया था, हालांकि बाद में ये फिल्म कंगना की झोली में आ गिरी और इसी के साथ आदित्य पंचोली के साथ उनके अफेयर और ब्रेकअप की खबरें भी उस समय गर्म रही और साथ ही आदित्य ने कंगना पर कई सारे इल्जाम लगाए। इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, लेकिन स्टेज पर अवार्ड लेने गई कंगना की इंग्लिश को जम कर ट्रोल किया गया। उसके बाद कंगना ने कई फिल्म्स में काम किया जिनमें वो लम्हे और शाका लाका बूम बूम और लाइफ इन अ मेट्रो शामिल थी। उसके बाद साल 2008 में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में कंगना को काफी पसंद किया गया एंड इसके लिए शी ऑल्सो वन अ नेशनल अवार्ड। उसके बाद कंगना ने कई फिल्म्स में काम किया जिनमें राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज भी शामिल है और इसी फिल्म के साथ साथ उनका नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से भी जुड़ा एंड उनका अगली फॉलआउट भी काफी न्यूज में रहा। उसके बाद कंगना ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, काइट्स, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्म्स की और फिर साल 2011 में आई फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू ने कंगना का बॉलीवुड गेम फिर से अप कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कंगना ने इस फिल्म के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई है और उन्होंने लिप जॉब कराया है, जो फिल्म में काफी हद तक विजिबल था। वेल, इसके बाद कंगना ने फिल्म क्रिश 3 में काम किया और ऋतिक और उनके प्यार की खूब चर्चा हुई और कंगना ने कई सारे इंटरव्यूज में इस बात को मेंशन भी किया। उसके बाद 2014 की फिल्म क्वीन से कंगना ने अपने एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही एक और नेशनल अवार्ड जीता। कंगना का बॉलीवुड करियर जितना एक्सपैंड हुआ उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सीज में उनका नाम भी शामिल हुआ, जहां कंगना की बहन रंगोली ने महेश भट्ट पर उनके स्ट्रगलिंग डेज में कंगना को चप्पल से मारने के सीरियस एलिगेशंस भी लगाए। वेल, इस फियास्को में कंगना की फैमिली उन्हें पूरा सपोर्ट करते हुए दिखी। 2015 में तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स में कंगना प्लेड अ डबल रोल एंड ऑल्सो वन द नेशनल अवार्ड अगेन फॉर हर परफॉर्मेंस। उसके बाद कंगना को कई सारे कमर्शियल फेलियर्स भी मिले जिनमें सिमरन, कट्टी बट्टी, उंगली, रिवॉल्वर रानी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर कंगना ने लिया बॉलीवुड के एस फिल्म मेकर करण जौहर से एक बड़ा पंगा। व्हेन ऑन अ चैट शो शी अक्यूज्ड करण जौहर टू बी द फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म। और यही नहीं, कंगना ने कई बार बॉलीवुड के सो कॉल्ड इनसाइडर्स के आईक्यू और उनकी उम्र पर भी सवाल उठाए। हालांकि इसी बीच फिल्म मणिकर्णिका में कंगना को ऑडियंस का फिर से ढेर सारा प्यार मिला एंड ईयर 2020 में शी ऑल्सो फाउंडेड मणिकर्णिका फिल्म्स।
हालांकि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना ने कई सारे खुलासे किए, जिसमें बॉलीवुड की पॉलिटिक्स, लॉबिंग कल्चर और कास्टिंग काउट जैसे मुद्दे शामिल थे, और ये भी कहा कि आउटसाइडर्स को कई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है और कंगना ने ये तक कह डाला कि पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ है। वेल, उसी साल कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर भी चला और उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिली। कंगना रनौत अब जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में आएंगी नजर, और अब लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के बाद कंगना ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई में क्वीन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जूम फॉर मोर अपडेट्स।